मसूरत मेरा नाम फरीदा बतूल है, मैं गवर्नमेंट गर्ल मैडम स्कूल कोयम से बिलोंग करती हूँ और आज यहाँ इस पेंटिंग कंपटीशन में हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला और जिन्होंने भी ये पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया है मैं उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो और भी ऐसे पेंटिंग कंपटीशन रखेंगे जिससे हमें और भी अच्छा एक्सपीरियंस रखें। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा बी जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, उसके द्वारा सेंट्रल पीएसयूज जो भी है हमारे पावर सेक्टर की वो सारे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में करवाती है और ये काफ़ी 1983 से चल रहा है और इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है वो 85 लाख तक होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, एनर्जी कंजर्वेशन पे जोर देना, क्योंकि आज के डेट में हमारा एनर्जी का वेस्टेज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी वेस्टेज को रोकने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे इससे बच्चे अभी से अगर वो एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान देंगे स्कूल लेवल से तो वो एडल्ट होते होते उनको इसका महत्व समझ में आएगा। एनर्जी सेविंग के ऊपर है, हम लोग एनर्जी कैसे सेव करना चाहिए ये इस थीम पे है, तो एनर्जी सेविंग के ऊपर ही है। हम लोग जो है बोलते हैं ना एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस, तो एनर्जी जितना भी हम लोग सेव कर सकते हैं लापरवाही हिसाब से यूज ना करें, जितना आपको जरूरत है उतना यूज करके जो है हम लोगों को जो है ये सिखाने के लिए जो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है सबको जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे बच्चे किस लिए रखे हैं, बच्चे जो है घर में जाके अपना भाई बहन को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, ये फिर जो है गांव का पड़ोस को बताएंगे, इस हिसाब से जो है ये इसका जो है मकसद जो है आइडिया बिहाइंड जो है ये है कि अवेयरनेस क्रिएट हो जाए और हम लोग एनर्जी को जो है पावर को जो है बढ़िया से यूटिलाइज करें।